गुड मॉर्निंग फोक्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड इनफैक्ट वेलकम फ्रॉम इंडिया. सो येस, आई हैव रीच्ड इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में मैंने क्या क्या किया वो आप लोगों ने देखा ही, जंगल घूमे एंड ऑल दैट. सो अभी मैं हूँ कुछ टाइम के लिए इंडिया में एंड सिंस फैमिली से बहुत टाइम से दूर था, सो आई थॉट के एक फैमिली ट्रिप पे चला जाए. सो अभी हम लोग जा रहे हैं गोवा. गोवा में भी साउदर्न पार्ट ऑफ गोवा एंड दिस विल बी अ वेरी लाइट ट्रिप फॉर मी. मैं बहुत ज़्यादा ना तो एडवेंचर वगैरह करने के मूड में हूँ और थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड करने के मूड में हूँ. सो एक लाइट एक दो व्लॉग्स रहेंगे जिसमें से मैं आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिखाऊंगा गोवा में, एक लग्जूरियस स्टे, एंड देन उसके बाद वापस आते हुए वी विल स्टे इन अ फॉरेस्ट लॉज और फॉरेस्ट रिजॉर्ट काइंड ऑफ प्लेस. सो उसके लिए आप वेट कीजिएगा एंड आई होप आप ये भी एंजॉय करें. वेरी लाइट व्लॉग्स, कोई ज़्यादा खास एजेंडा नहीं है, जस्ट टू रिलैक्स. सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिप गोवा का. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. सो पहुंच गए थे हम लोग अपने रिजॉर्ट या होटल में. दिस प्लेस इज़ कॉल्ड कोकोनट ग्रूव और बेताल बातिम करके जगह है गोवा में. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. वहाँ पे है बीच, हार्डली 300 मीटर्स अवे है यहाँ से. प्रॉपर्टी तो अच्छी है बट आई थिंक थोड़ी ओल्ड है. पेंट वेंट न्यू है बट वॉशरूम्स एंड लिनेंस एंड ऑल मतलब नॉट दैट ग्रेट. बाहर भी ठीक है, मतलब एक वाइब ठीक ठाक है बट ठीक है. कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे क्योंकि हमने बहुत लेट कराया एंड बट आई फील फॉर द अमाउंट दैट दे आर चार्जिंग अस उतना ज़्यादा वर्थ नहीं है. और बहुत सारे स्ट्रेंज रूल्स हैं इनके कि बाहर से आप खाना या ड्रिंक्स नहीं ला सकते. यूजुअली आजकल होटल्स ये सब नहीं करते हैं, दे डोंट बॉदर सो मच अबाउट दैट. बट एनीवे, सो बहुत ज़्यादा थक गए थे. कम से कम 11 घंटे लग गए ट्रैवल में बिकॉज अपना जो मेन रोड है टिल कोल्हापुर एंड निपानी वॉज ओ माई गॉड पैक. एंड निपानी से भी हमने राइट मीन्स अम्बोली घाट की तरफ नहीं लिया. वी वेंट विद गूगल मैप्स. हम लोग बेलगाम सिटी होते हुए खानापुर होते हुए वहाँ से आए. सो दैट वॉज अबाउट द जर्नी. ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, बहुत ज़्यादा थका था, थोड़ी देर सो लिया. अभी प्रोग्राम ऐसा था कि सोचा किसी बीच शेक पे जाके रेत में पैर डाल के आराम से एक बियर पियेंगे और कुछ अच्छा खाना खाएंगे, सी फूड वगैरह. बट एवरीथिंग हैज़ बीन रुइंड बिकॉज मेरे कपड़े भी दिख रहे होंगे आपको. बाहर हो रही है बारिश, अनएक्सपेक्टेड है पर ठीक है. थोड़ा गर्मी से आराम भी मिल रहा है बट द थिंग इज़ दैट बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे हम यहाँ पे. फिलहाल गाड़ी लेके ही निकल रहे हैं, पहले प्लान नहीं था ऐसा. तो गाड़ी लेके निकलेंगे, देखते हैं क्या क्या हम लोग कर सकते हैं. किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे मे बी मार्टिन कॉर्नर जो यहाँ का बहुत फेमस है वहाँ जाएंगे. थोड़ा रूम आपको दिखा देता हूँ. नथिंग मच, क्लोजेट्स, कबर्ड्स हैं, वॉशरूम है ये थोड़ा रेडी होने के लिए एंड ऑल दैट. फ्रिज है, वो भी इन्होंने बोला है कि सिर्फ मेडिसिन रखने के लिए यूज़ करें, नॉट फॉर बीयर्स एंड ऑल दैट. आई डोंट नो स्ट्रेंज. टीवी है ठीक ठाक, स्पेशियस है बट ये है कि आप थोड़ा पुराना लग रहा है वाइब. मीन्स लेनन वगैरह बहुत ज़्यादा कोई साफ़ नहीं है. एनीवे,
फिलहाल फिर निकलते हैं। देन रास्ते में अगर ऑफकोर्स अंधेरा तो है ही है, स्टिल कुछ इंटरेस्टिंग होगा बताने लायक या दिखाने लायक तो दिखाऊंगा, अदरवाइज आई कॉल इट ऑफ अ डे। एंड कल से फिर हम अपना असली एक्शन शुरू करेंगे गोवा का। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ व्लॉग बिकॉज आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल कुछ नहीं बता पाया हूँ। सो डेफिनेटली इसी व्लॉग को मैं एक्सटेंड करूँगा कल और मिलते हैं सुबह। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो वो फाइनल गुड बाय नहीं था। घूमते घूमते हम लोग होटल से बाहर आए, बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे नहीं है। ये साउथ गोवा है, बेताल बेतिम ये एरिया है और ये बीच है बेताल बेतिम का। और देर आर सम फेमस प्लेसेस लाइक मार्टिन कॉर्नर एंड ऑल, वहाँ गए। बहुत ज़्यादा बज़ और हैपनिंग नहीं था फिलहाल बिकॉज टूरिस्ट सीजन अभी नहीं है, बट आई एक्सपेक्टेड कि बहुत भीड़ होगी। बट एनी वे वी आर एन्जॉइंग दिस प्लेस। गोवा आके अगर रेत में पैर डाल के बियर नहीं पिया सो गोवा अधूरा है। मतलब बियर अगर आप अल्कोहल लेते हैं, अदरवाइज आप लस्सी भी पी सकते हैं। एनी वे सी मेरे पीछे नॉयल गो डार्क, दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मैं हूँ। मैक्सिका बोल के एक बीच शैक है और इतना अमेजिंग व्यू है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा भीड़ तो है नहीं, थोड़े बहुत ही लोग हैं और बहुत अच्छे से इन्जॉय कर रहा हूँ। फ़ोन पे बना रहा हूँ वीडियो, सो आई डोंट नो क्लियर आ रहा होगा। और पीछे सन इसका सी का साउंड भी बहुत ज़्यादा आ रहा होगा। आई नो उधर इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि एक वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ चुका है और वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, सो उसको अवॉइड करने के लिए मैं यहाँ से बना रहा हूँ। बट एनी वे आपको अभी ये भी दिखाऊँगा मैं यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है जब लाइटनिंग होती है। सो दिस विल बी नाउ एंड ऑफ दिस डे बट नॉट द ब्लॉग। ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगा कल सुबह भी। सो यू गाइज एन्जॉय, स्टे ट्यून्ड और सुबह मिलते हैं आपसे। वेल गुड मॉर्निंग फोक्स एंड लीविंग। ये वही प्रॉपर्टी है जहाँ हम रुके थे, दो दिन हैं यहाँ पे हम लोग। एंड ठीक था, स्टे वॉज नाइस। रात को आपने देखे ही हम लोग बीच शैक पे गए और एन्जॉय किया। नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड फर्दर साउथ विच इज़ पालोलेम एंड अगोंडा। प्लान ये भी था कि थोड़ा नॉर्थ साइड भी देखा जाए, वैसे ओपन है अभी, मैं कुछ खास कमेंट नहीं करूँगा। मोस्टली तो हम लोग साउथ में ही जाएंगे और मौसम भी थोड़ा साथ दे रहा है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, इट्स क्लाउडी बट ह्यूमिड तो है ही बिकॉज कोस्टल एरियाज़ में ये तो होता ही और गर्मियों के महीने चल रहे हैं। सो इट्स थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल बट नॉट एज मच एज कि अगर धूप होती। सो ओपन प्लान के साथ जा रहे हैं, देखते हैं। थोड़ा सा कार में काम करवाना, देयर वाज अ प्रॉब्लम, छोटा सा एक प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद वी मे हेड नॉर्थ टुवर्ड्स द सेंटर पंजिम एंड ऑल, वहाँ पे चर्चेस वगैरह देखेंगे, नहीं तो पालोलिम साइड जाएंगे और वहाँ का जो लोकल साइट सींग और बीच वगैरह है वो एंजॉय करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, चलते हैं, कहीं तो जाएंगे। पालोलिम बीच, आपने देखा कितना क्राउडेड है और वो भी तब जब गोवा के सारे बीचेस खाली पड़े हैं
और एक टाइम ऐसा था कि पालोलिम बीच यहाँ कोई जानता नहीं था इंडियन क्राउड में। मैं यहाँ पहली बार आया था लगभग 12 साल पहले और अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। तो खैर वो तो अब यहाँ मैच करना मुश्किल है बिकॉज बहुत भीड़ है। बीच पे चलते हैं, वहाँ दिखाता हूँ क्या वाइब है, उसके बाद शायद हम लोग अगोंडा बीच भी जाएंगे जो कि पास में ही है। पार्किंग की इतनी मारा मारी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे पैसा देखे 100 रुपये और जा रहे हैं बीच पे। बिल्कुल भी पार्किंग नहीं है यहाँ पे, और ऑन द कॉन्ट्ररी उधर फर्दर थोड़ा नॉर्थ की तरफ कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं। सो अजीब है। और खैर थैंकफुली मौसम साथ दे रहा है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, शेड है, ह्यूमिडिटी तो है ही है बट अच्छा है, नॉट बैड। सो दिस इज पालोलिम बीच, इंडिया का प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट बीचेस। अब तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी और इंडियन क्राउड अभी बहुत है, इनिशियली बहुत ज़्यादा इंडियन क्राउड नहीं आता था, इनफैक्ट ना के बराबर ही थे। सो यहाँ सिर्फ फॉरेनर्स आपको मिलेंगे, वो भी थोड़े बहुत, अदरवाइज इट वाज एम्प्टी, टोटल एम्प्टी। क्या चार्म था इस प्लेस का उस टाइम पे। अब तो मेरे ख्याल से कोई भी सिक्लूडेड जगह दुनिया में रह ही नहीं गई है, एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्कवर्ड थॉरली एंड यूज थॉरली। सो यहाँ थोड़ी देर एंजॉय किया बट सुपर क्राउडेड है ये जगह, मीन्स इट हैज़ बिकम लाइक जिम कॉर्बेट। सो ये गोवा नहीं, दिल्ली NCR लग रहा है फिलहाल तो, बट एनीवे भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो चेक करते हैं, शायद अगोंडा बीच पे कुछ अच्छा माहौल हो तो वहाँ थोड़ा एंजॉय करेंगे, अदरवाइज़ आपको वापस बेताल बेतिम साइड का एरिया दिखाता हूँ। सो पालोलिम बीच से निकल आए थे, अगोंडा का प्लान था बट पता चला कि वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो वहाँ नहीं गए, और प्लान किया कि वापस बेताल बेतिम जो जगह है जहाँ पे हमारा होटल है वहाँ जाएंगे। तो बीच बहुत ही अच्छा है पालोलिम का, पता नहीं ये बात मैंने अपने व्लॉग्स पे पहले बताई है कि नहीं, बट मेरे दोस्त ये जानते हैं दैट आई वाउच फॉर पालोलिम एंड अगोंडा बीच, बट आई थिंक नो मोर बिकॉज अब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। ऑफ सीजन में क्या भीड़ थी आपने देखा भी। एनीवे विजिट अच्छी थी, रूट अच्छा है बिकॉज जब आप सिटी से निकलते हैं तो ओल्ड गोवा जो बिल्डिंग्स वगैरह जो विलेजेस हैं वहाँ से होते हुए बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, और उसके बाद आप सीधा जो गोवा के वेस्टर्न घाट्स और जो प्लांटेशंस एंड ऑल वहाँ से होते हुए निकलते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, और फिर फाइनली साउथ गोवा के बीचेस आते हैं। तो ड्राइव अच्छी है बट हाँ ये है कि टू लेन रोड है और बहुत कॉशियसली चलाना है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा रैश ड्राइविंग यहाँ होती है, खासकर लोकल जो व्हीकल से बहुत ज़्यादा रैश चलते हैं, तो वो सब थोड़ा सा आप माइंड में रखिए और एंजॉय करें अपना ट्रिप। पर हाँ साउथ गोवा ज़रूर आएँ अगर गोवा आते हैं तो। पहले मैं किसी को बताता नहीं था लेकिन अब तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतना क्राउडेड ऑलरेडी हो चुका है तो सब आ रहे हैं तो मेरे व्यूअर्स क्यों नहीं है, आएँ और एंजॉय करें। आगे का सीन शाम को दिखाता हूँ आपको। कोकोनट ग्रू, टाइम टू मूव। सो पहुंच गए मार्टिन कॉर्नर। सो ये मार्टिन कॉर्नर कौन करी फिर, दिस कम्स विद राइस। सो आ गए हैं रूम में, चेक इन कर लिया है। नाइस यार, बीच तो बहुत ही सुंदर और क्लीन है।